नमस्कार, आप देख रहे हैं वैश्य व्यापार न्यूज चैनल। मैं आपके साथ माधुरी कश्यप। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। दिल्ली एनसीआर में सांस लेना दूभर हो गया है। राजधानी की हवा दम घोटू हो गई है। घर से बाहर निकलना मुहाल हो गया है। आंखों में जलन पैदा करने वाला स्मॉग शुक्रवार को और घना हो गया। इस कारण कई जगहों पर दृश्यता 200 मीटर ही रही। मामले पर सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बढ़ते वायु प्रदूषण का आपात स्थिति करार दिया और आपातकालीन कदम उठाने की जरूरत पर जोर दिया। न्यायालय ने कहा कि लोग घरों के अंदर मास्क लगा रहे हैं, साथ ही केंद्र और दिल्ली सरकार से प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए आपात कदम उठाने और संबंध में सोमवार तक जानकारी देने को कहा। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली में स्कूलों के खुलने पर गौर किया। प्राधिकारियों से वाहनों को रोकने, दिल्ली में लॉकडाउन लगाने जैसे कदम तत्काल उठाने को कहा। पराली जलाए जाने को प्रदूषण का कारण बताने से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हर किसी पर किसानों को दोष देने का जुनून सवार है। क्या आपने देखा है कि पिछले 7 दिनों से दिल्ली में किस तरह पटाखे जलाए जा रहे हैं। नवम्बर की शुरुआत से ही प्रदूषण के स्तर में वृद्धि हो रही है। प्रदूषण की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने लोगों को घरों से बाहर जाने से बचने की सलाह दी है। 4000 से अधिक खेतों में पराली जलाए जाने के कारण भी दिल्ली के प्रदूषण में इजाफा हुआ है। करीब 35% प्रदूषण पराली के कारण हुआ है। शुक्रवार को दिन में 4 बजे तक 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक का स्तर 471 दर्ज किया गया। सर्दियों के शुरुआती मौसम में AQI का यह स्तर अब तक का सबसे खराब रहा। वीरवार को राजधानी का AQI 411 दर्ज किया गया था। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के अनुसार हर साल 1 नवंबर से 15 नवंबर के बीच दिल्ली में लोगों को बेहद दूषित हवा में सांस लेनी पड़ती है। NCR के शहरों में AQI की बात करें तो शाम 4 बजे फरीदाबाद में 460, गाजियाबाद में 486, ग्रेटर नोएडा में 478, गुरुग्राम में 448 और नोएडा में 488 दर्ज किया गया। यह वायु गुणवत्ता की गंभीर स्थिति है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण समिति के अनुसार दिल्ली NCR में प्रदूषण कारक कण PM2.5 की मात्रा का 24 घंटे का औसत रात के समय 300 का आंकड़ा पार कर गया और शुक्रवार को तो अपराह्न 4 बजे 381 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रही। PM2.5 की मात्रा 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर की सुरक्षित सीमा से लगभग 6 गुना अधिक रहा। PM10 का स्तर 577 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज किया गया। GRAP के अनुसार 48 घंटे या इससे ज्यादा अवधि तक PM2.5 का स्तर 300 माइक्रोग्राम से अधिक और PM10 का स्तर 500 माइक्रोग्राम से अधिक होने पर वायु गुणवत्ता को आपातकालीन श्रेणी में माना जाता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने शुक्रवार को स्थानीय निकायों और प्रशासन को आपातकालीन स्थिति के लिए हर तैयारी करके रखने के निर्देश दिए हैं। ये भी निर्देश दिया गया कि सरकारी और निजी दफ्तरों के लोगों को निजी वाहनों का 30% कम इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ लोग बहुत जरूरी हो तो ही घर से बाहर निकले। मौसम विभाग ने कहा है कि हवा की गति धीमी होने के कारण 18 नवंबर तक ऐसी स्थिति बनी रहेगी। ऐसे में सावधानी बरतना जरूरी है, विशेषकर सांस के रोगियों को। सभी खबरें देखने के लिए बने रहिए वैश्य व्यापार न्यूज चैनल के साथ। नमस्कार।